चलिए इस समय निफ्टी 7100 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करते हुए, लेकिन ब्रीच तो हुआ था 7100। क्लोजिंग एक्शन क्या है बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल, आप देखिए एक्शन क्लोजिंग ये है कि मेहर ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उसके उलट। एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज शायद हम 7242 के ऊपर कैपिटलाइज करें, 7250 को टेस्ट करें, उसके ऊपर सेटल हों, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ 9:30 के बाद ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट था। डेटा जो पॉइंट था सुबह सुबह उसके ठीक उलट था। 7101 आपके स्क्रीन पर, आज हमने क्या वॉलेट किया, हमने 7250 की चांसेस उसको ऊपर सेल होने को उसको वॉलेट किया, 72 वॉलेट किया, 7150 वॉलेट किया, 7100 वॉलेट किया, और अब आपके स्क्रीन पर जो इंडेक्स आ गया निफ्टी बैंक, उसने क्या वॉलेट किया, उसने ऑलमोस्ट 14000 की ट्रेजेक्ट्री को आज वॉलेट किया। हालांकि अभी 14000 के ऊपर है, लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट था 14200, क्योंकि देखिए पिछले 4 सेशन में एग्जैक्टली एक्सपायरी के बेहद नज़दीक जो 14200 का, 14300 का और 14200 का पुट राइटर था, उसका कॉन्फिडेंस था कि शायद इस बार ये अटेम्प्ट ले, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग सीरीज के क्लोज के वक्त के शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को एक मूव दे और ये 14500 के ऊपर निकले, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से, अगर आप देखें कुछ सारा स्टॉक्स को देखें जहाँ प्रेशर था, BOB, केन इंडिया, PNB, कोल इंडिया, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर मैं सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ दूं तो बाकी 5 कल्प्रिट्स वही थे जो पहले भी अगर आप देखें 6950 में अहम भूमिका निभा के आए हैं। आगे बढ़ते हैं निफ्टी लूजर्स की फर्स्ट स्लाइड की बात, सेकंड स्लाइड आपकी स्क्रीन पे, उसमें बजाज ऑटो, BPCL, इस बार के फ्रेश वीक स्ट्रक्चर्स ये थे, येस बैंक, HUL अगर आप देखें जो कि कल का टॉप प्राइस परफॉर्मर था, आज अगर आप देखें 3% स्लाइड हुआ, ICICI बैंक अब 200 रुपये के आंकड़े से इसने तो अपना जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं निफ्टी लूजर्स की सेकंड स्लाइड के बाद, अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक कंप्लीट हैमरिंग है, क्या PSU, क्या अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, येस बैंक, ICICI, BOB, PNB, SBI, यूनियन बैंक, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स 3, 3.5, 4.25% नीचे रहे। सेकंड स्लाइड में अगर आप देखें मिडकैप बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो केनरा बैंक, IDBI, फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स 3, 2.25% नीचे रहे आज। आगे बढ़ते हैं पटरी से उतरने वाले, अगर आप देखें आज जो स्टॉक्स थे वो थे रेलवे स्टॉक्स। कल स्ट्रॉन्ग मूव, एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि शायद एटलीस्ट बजट स्पीच तक ये मूव देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही यू टर्न, कल इंडिया रेल, टीटागर वैगन, स्टोन इंडिया, कंटेक्स माइक्रो और सेपको, सारे के सारे स्टॉक्स ने आज यू टर्न लिया, कंप्लीट यू टर्न। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अगर आप देखें सीवियर सेलिंग प्रेशर देखा, क्यों खेल, आई मीन इस लिस्टिंग की अच्छी नहीं हुई उसके बाद ये प्राइस बिहेवियर, आई थिंक इन्वेस्टर्स काफ़ी आज हर्ट भी हुए होंगे इसमें। PVR लॉन्ग ओनली काउंटर, लेकिन आज करीब 35 रुपये नीचे। श्रेय इंफ्रा 50 के लेवल को वॉलेट किया। MRPL, बदरसन सुमी, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आज एक्सट्रीम में पेन में रहे। मिडकैप शेयरों में जहाँ बिकवाली थी आज, उसमें MNM फाइनेंशियल, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, महिंद्रा CI, स्मार्ट लिंक, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज पेन काफ़ी था। उसके बाद फर्टिलाइजर स्पेस जिसमें कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, यू टर्न इन्होंने भी लिया, आई थिंक एट कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग थी आज। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स, RCF, NFL, दीपक फर्टिलाइजर्स, ये कुछ काउंटर्स इनफैक्ट जहाँ पे आज काफ़ी कमजोरी। निफ्टी फाइनली 330 पे जो प्रोविजनल आंकड़े हैं क्लोजिंग के, वो ये कह रहे हैं कि आपने 7100 का लेवल कल के लिए कैरी नहीं किया है। 7096 लगभग 2% नीचे और करीब 420 अंक नीचे सेंसेक्स, 23368 के स्तर पे। आगे बढ़ते हैं कुछ और सिलेक्ट स्टॉक्स को देखते हैं, मैंने आइए देखते हैं कि एडजस्टेड फिगर्स क्या आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एनर्जी स्पेस को देखें, IOC, HPCL, BPCL, केन इंडिया, MRPL, सारे के सारे स्टॉक्स कंप्लीट हैमरिंग आज यहाँ पे। स्पेशली अगर आप BPCL को देखें, HPCL को देखें, DLF, HTIL, गणेश हाउसिंग, इंडिया वर्स रियल एस्टेट, अनंत राज इंडस्ट्रीज, रियल्टी स्पेस पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है DLF को, 8470, ये आई थिंक इसका स्क्रीन पर आपके, आप अगर चार्ट्स देखते हैं तो देख लीजिएगा, ये लेवल आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं रियल्टी के बाद, वो है FMCG, जुबिल फूड्स, HUL, मैरिको, डाबर इंडिया, ITC, आई थिंक इसमें आज एक चीज़ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट थी वो था मैरिको का इस डाउन साइड में कंट्रीब्यूशन, 237 पर 4 रुपये नीचे रहा। इससे पहले अगर आप देखें ये बिल्कुल, अगर आप कैपिटल गुड्स को देखें, BHL 98, LNT 1127, एक्शन कंस्ट्रक्शन, शुलील हाईटेक, भारत फौज, इन सभी काउंटर्स में आज गिरावट रही। उसके बाद गीते बाजार को आज अगर आप देखें, जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड, BF इन्वेस्टमेंट, BF इंडीज, दोनों ही काउंटर्स कल भी अपर फ्रीज पे थे, आज भी तेज। राम की इंफ्रा, आई थिंक इट्स एन अपर फ्रीज, यस एग्जैक्टली 5240 कल भी अगर आप देखें चला था, और कल ये जी बिजनेस की सुबह स्टॉक ऑफ द डे की कॉल थी और 2 सेशन में ऑलमोस्ट आई थिंक 41 पे कॉल दी गई थी, आज 5240 पे। निवेल लिग्नाइट, उसके बाद रुशील रिकॉर्ड, ये कुछ काउंटर जहाँ जहाँ पर, सीमेंस, त्रिवेणी टर्बाइन, एस्कॉट ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स जो कि आज गिरते बाजार में अपने आप को
हायर लेवल्स पर सस्टेन रखने में सक्षम हुए। RIIL, केन इंडिया, BF50, स्टार जीबीके, टाटा मोटर्स डीबीआई, ये बाय कॉल्स दी गई थी, बहुत के टारगेट्स हिट हुए, कुछ के स्विंग काफी अच्छे खासे थे। निवेली रिगनाइट, PNB, NTPC, ITC, भारतीय इन्फ्राटेल, कुछ सेल कॉल्स थी, कुछ अगर आप देखें तो बाय कॉल्स थी। ब्लेंडेड वर्जन जो था उसने पैसा कमाने का काफी मौका दिया। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 37 अंक नीचे सेंसेक्स 7096। सिद्धार्थ, इस क्लोजिंग पर आपकी देखिए, हम मानते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट में फॉल दिख रहा है अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट्स में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है, बट हम मानते हैं कि बजट को हो जाने दे, यहाँ पे ही मार्केट को सेटल हो जाने दे। हालांकि यहाँ से मार्केट और भी गिर सकता है अगर यहाँ पे बजट पे कोई भी नेगेटिव खबर और आ सकती है, और हम जानते हैं कि ये एक्सपायरी सीजन है, एक्सपायरी वीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़रूर बना रह सकता है। पर मानते हैं कि नीचे के लेवल पे अच्छे स्टॉक्स को ज़रूर अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही रिटर्न देके जाएंगे। जी चलिए, तब इस बातचीत में शामिल होने के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, और इसी के साथ अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं।